बैक टू दी चैनल, वेलकम बैक टू दी रॉग व्लॉग्स। आज हमारे साथ है इस तरफ बलेनो या बलिनो, बलिनो बलेनो दोनों जान लो, वो खड़ी है नेक्सा की तरफ से मारुति सुजुकी। इस साइड खड़ी है अपनी स्विफ्ट जो कि मेरी है, और जो कि हमारी बलिनो है वो है प्रियांशु की। अभी बंदा आया था, इतनी दूर से मिलने आया था, मैंने कहा अब तू मिलने आया ना तो वीडियो बनवा के जा भाई की, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर, और वो गाड़ियों को कंपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ टॉप मॉडल से एक मॉडल नीचे है, यानी बोलो तो LXi प्लस बोलते हैं मारुति। एक छोटा सा करेक्शन, ZXi नॉट LXi, सॉरी, क्योंकि मैं उससे एक ये भी कम है, एक ये भी कम है, ठीक है। और प्राइजिंग दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, जब आप इतनी गाड़ी लेने जाते हो लाख में आती है तो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये है प्रॉपर 8 लाख की, और ये मेरे को पड़ी है 7.5 लाख की। तो अब बात करते हैं कि दोनों में ऐसी क्या बात है कि टॉप मॉडल से कम है और कौन सी बेटर है। देखो, फर्स्ट थिंग, ये जो है टॉप मॉडल से एक नीचे वाला मॉडल है, वो भी सेम मॉडल है, लेकिन इसमें आपको अलॉय ऐसे मिलते हैं और इसमें आपको अलॉय ऐसे मिलते हैं। ये वाले अलॉय इसके टॉप मॉडल में मिलेंगे आपको बिल्कुल सेम टू सेम। इन्फो सिस्टम मिल जाता है। सो ये है बलिनो का इन्फो सिस्टम जो कि मॉडल एक कम है, और ये है स्विफ्ट का नॉर्मल सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम है दोनों गाड़ियों में अगर आप एक मॉडल कम लेते हो दोनों। सो गाइस, इसको यहाँ पे आपको क्रोम, ये भी कंपनी से लगा हुआ है था, क्रोम भी लगा हुआ मिल जाता है यहाँ पे और साइड में यहाँ पे, ठीक है। लेकिन स्विफ्ट में आपको ऐसा नहीं मिलता, स्विफ्ट में बिल्कुल आपको स्टॉक गाड़ी जैसी ही मिलती है, कोई क्रोम भी नहीं लगा हुआ मिलता 7.5 लाख देने के बावजूद भी। सो गाइज, ये है कंसोल, इसका कंसोल कहीं ना कहीं स्विफ्ट से मिलता, बट ये जो चीज़ है इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं। आप देख सकते हो क्लॉक है, गेट्स का इसमें ऑप्शन है, गेट्स का आपको दिख ही रहा है पहले, टाइमिंग का वगैरह बहुत कुछ है यार इसमें, टाइमिंग का बताना है कि आपको कैसे कैसे स्टार्ट होना है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ एक बार। अब ये देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको यार, पूरा LED है ये, और कितना अच्छा लगता है। देखो फ्यूल इकोनॉमी भी कैसे बता रहा है। और बात आती है अब स्विफ्ट की, सो ऑलमोस्ट लुक सेम है दोनों गाड़ियों की, लेकिन इसमें जो है आपको ऐसे मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बीच में आपको डिजिटल मिलता है, ना कि आपको मिलता है LED, ओके। और दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इसका थोड़ा बहुत लुक ज़्यादा अच्छा लगता है इसका। अगर आप इसका डैशबोर्ड देखेंगे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, और मतलब प्लेन सा है और बैठते मज़ा आता है। कंपनी ने आर्म रेस्ट भी लगा के दिया है और ये भी काफ़ी प्रीमियम लुक आता है इसमें। लेकिन स्विफ्ट में भी कोई कमी नहीं है जैसे कि इन्होंने बना के दिया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में एक क्रोम जैसी थिंग है बट वो क्रोम नहीं है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा लुक आता है इसमें भी। और यहाँ का सिस्टम भी देख सकते हो आप, आर्म रेस्ट आप लगवा सकते हो, ऑप्शन है उधर, और मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगता है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ये देखो। सो दोनों गाड़ियों में आपको ऑटो क्लाइमेट मिल जाता है, मेरा भी ऑटो क्लाइमेट है, इसका भी ऑटो क्लाइमेट है, उस चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑटो क्लाइमेट आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। सो ये है बूट स्पेस स्विफ्ट का, जब मैं चंडीगढ़ गया था, बेस ट्यूब रखे होने के बावजूद भी इसमें कम से कम 5 जनों का सामान था, शादी का सामान था, सब सामान बहुत ही ईजिली आ गया था, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आता है इसका बलिनो का, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। देखो लीटर्स में जाऊंगा नहीं मैं, बहुत ही प्रैक्टिकल बात करता हूँ, अगर यहाँ पे बेस ट्यूब रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इसने एक बार बताइए कि क्या ये 15 इंची का अलॉय, और ये 15 इंची का अलॉय है, और लेकिन यहाँ पे 16 इंची का अलॉय मिलता है आपको, मतलब ये 15 इंची टायर है अंदर, और कंपनी ने 15 इंची दिया और यहाँ पे जो है 16 इंची है। तो यार कैसे चलेगी गाड़ी ऐसे तापड़ तापड़ तापड़। देखो जो मेरे को 7.5 लाख और 8 लाख में सबसे ज़्यादा गंदी बात लगी कि यहाँ पे आपको मिलता है प्रोजेक्टर, साथ ही साथ पार्किंग LED मिलती है, DRL टॉप मॉडल में मिलती है दोनों में, लेकिन मेरी वाली में हेलोजन बल्ब दिया हुआ था, मैंने इसमें C6 लगा रखी है, और भी अब ये अपग्रेड करने वालों में बहुत जल्दी, डोंट वरी। लेकिन इस चीज़ में मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगा कि भाई साहब इसमें इतनी प्रीमियम थिंग दे दी, इसमें नहीं दी, वाई।
यार इंजन दोनों सेम है, इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बढ़िया चलते हैं। इसकी लाइट देखो मेरी, अभी मैं प्रोजेक्टर वगैरह सब डलवाऊंगा। एक्चुअली क्या है, मैं अभी जितना भी पैसा है मेरे पास मैं अपनी ड्यूब पे फेंकता हूँ। अभी अब स्विफ्ट की भी बारी आ रही, क्योंकि इसको भी तगड़ा बना के रखना है यार। ऐसे कैसे पिछाड़ दूँ इसे? देखो इसका जो है 42 का टैंक है अपनी स्विफ्ट का, और इसका सिर्फ और सिर्फ 37 का है। ये भी जो लॉन्ग टूरिंग करते हैं उनको ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माइलेज से ज़्यादा जितना फ्यूल आप कैरी कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार हाईवे पे आपको जो है पेट्रोल पम्प नहीं मिलता टाइम पे, तो इसका पेट्रोल ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा पीती नहीं है बट ज़्यादा कैरी करती है। वाह, तो ये तो एक छोटा सा कंपैरिजन, गाड़ियों में इतना ज़्यादा कंपैरिजन क्या करूँ, दोनों ही गाड़ियाँ अपनी जगह पे बेस्ट हैं। अब टेस्ट करते हैं 0 to 60 किसका अच्छा है। मैं ही करूँगा 0 पे 1 2 3। सो 7 सेकेंड लिए हमारी बलिनो ने पहुंचने के लिए, कितने 0 to 60। ओके चले, हेलो वेख लो 6 सेकेंड, यानी स्विफ्ट की पावर थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि ये स्विफ्ट थोड़ी सी हल्की है, बिकॉज आप बॉडी कह सकते हैं। बट ओके, सो अभी इसने चलाई है बलिनो, अब ये चलाएगा स्विफ्ट और फाइनल आंसर देगा, क्योंकि मैंने तो दोनों ही गाड़ी बहुत बहुत चला रखी है। नाउ इसने स्विफ्ट बहुत कम चलाई है, चलो देखते हैं। हाँ जी, कौन सी यार? बली तो बहुत स्मूथ है, स्मूथ ये भी है, वैसे पावर ज्यादा लग रही है मेरे को, पावर ज्यादा है और उसमें खिंचती नहीं होता मुझे, बस बाकी सब सेम है। सेकंड थिंग, इसको मिनी कूपर का डिज़ाइन देने के लिए इसको काफ़ी छोटा कर रखा है, और हाँ दूर से बहुत ज़्यादा मिनी कूपर लगती है, और मैंने ऑलमोस्ट उसको लुक दे रखा है रैप मार के, लेकिन रैप थोड़ा दूसरा तरीका का। पीले रंग दी मैनू कहंदी है चलावे स्लोली, ओ पहले गिरते ओ जदों मोड़ दी ओ मैनू लगनी है द वन एंड ओनली। आई आई बेचारे मुंडियां दे दिला दी तो कातिल, बखा दे मैनू किवें जावेंगी तू फास्ट, सब दे तो गैस नहीं मिले ओ बे हार्ड आ बे हार्ड याओ पूछते है ना भाई, जीत गई, मेरे को लिटरली विश्वास नहीं हुआ, मैं तो स्विफ्ट जीत गई। या पावर में स्विफ्ट ज्यादा ही, दोनों एक साथ उठी, हाँ बिल्कुल सेम, दोनों ने एक ही साथ एक्सीलेटर दिया था, लेकिन स्विफ्ट आगे निकल गई। एक सेकंड के लिए मैं बोला था दोनों साथ जाएंगे, पर लेकिन एक बार वीडियो देख लेते हम। ओके, सो जितने लोग भी ऑब्जेक्शन उठाने वाले हैं कि भाई ये ड्रैग रेस इलीगल है, देखो बहुत ही खाली जगह पे खड़ी थी सीट बेल्ट पहन के, और बहुत ही खाली जगह थी वो, मतलब एक रोड थी बिल्कुल खाली थी, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए थे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही अच्छी रेस हुई, स्विफ्ट जीती।
और मजा आ गया। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से तो भाई दोनों ही कार अपनी जगह पे बेस्ट है, बाकी आप बताना कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। सो जय हिंद वंदे मातरम, गुड क्वालिटी हेलमेट्स एंड ऑलवेज सीट बेल्ट व्हाइल यू ड्राइविंग। बाय गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए इस वीडियो में भी आपको लगा होगा कि भाई साहब एडिटिंग थोड़ी